किसान साथियों का सवाल ये रहता है कि हम पीली सरसों की बिजाई करें या काली सरसों की बिजाई करें। बहुत बड़े स्केल पर किसान साथी काली सरसों की बिजाई करते हैं और काली सरसों किसान भाइयों के लिए फेवरेट भी है। अब यहाँ पर पीली सरसों का चुनाव करने से पहले किसान साथी ये सोचते हैं कि हमें पीली सरसों में क्या क्या लाभ हो सकते हैं जो कि हम पीली सरसों की बिजाई करें। यदि हमें काली सरसों को छोड़कर पीली सरसों की तरफ जाना है तो हमें पीली सरसों के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए और पीली सरसों की बिजाई करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं जो कि हमें अच्छी उपज दे सकती हैं। अगर हम सह फसली करना चाहते हैं खासकर गन्ने के साथ में, क्योंकि सरसों की बिजाई खासकर गन्ने के साथ में करना किसान साथी पसंद करते हैं, तो सह फसली में क्या पीली सरसों गन्ने के लिए एक विकल्प हो सकता है? बिल्कुल, आज की वीडियो में इन सारे टॉपिक पर बात करते हैं, जानते हैं कि पीली सरसों हमारे लिए किस लिए फायदेमंद हो सकती है और काली सरसों हमारे लिए किस विषय में फायदेमंद हो सकती है। खासकर मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि जो भी किसान साथी अपने घर के खाने के लिए ऑयल के लिए सरसों की बिजाई करना चाहते हैं वो पीली सरसों का बिल्कुल आंख बंद करके चुनाव कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बड़े फायदे का सौदा है। खासकर क्यों? क्योंकि ये लगभग 42-45% तक ऑयल कंटेंट दे देगी। मतलब एक क्विंटल अगर सरसों है आपकी तो उसमें 42-45% तक आपको तेल मिल जाएगा, यानी कि 45 लीटर तक तेल दे देगी। और यदि काली सरसों की बिजाई करोगे तो वहां पर एक क्विंटल सरसों में आपको मात्र 30 लीटर तेल ही मिलने जा रहा है। और यदि आपको 15 किलो तेल फालतू मिलता है तो वो आपकी बहुत बड़ी जीत होगी साथियों। और घरेलू खाने खाद्य पदार्थों में तेल सबसे अहम रोल प्ले करता है और काली सरसों के तेल से पीली सरसों का तेल खाने में पौष्टिक भी है और अच्छा भी है, हल्का भी है, स्वादिष्ट तो है ही साथियों। इसे आप ऐसे समझ सकते हो एक टाइप का देसी घी है, तो बहुत बढ़िया ऑयल होने के साथ में आपको पौष्टिकता देता है, इसलिए आप पीली सरसों का चुनाव करके बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। बहुत ज्यादा किसान साथी काली सरसों का चुनाव करते हैं। काली सरसों उन किसान साथियों के लिए बढ़िया है जो कि अपने बड़े रकबे में बिजाई करना चाहते हैं, यानी कि 1 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़ आप बिजाई करना चाहते हैं काली सरसों की बिजाई करें। कारण क्या होता है कि जो पीली सरसों है पीली सरसों को हम थ्रेशर से नहीं निकाल पाते। काली सरसों में हमारे जो खेत हैं उनकी कटाई भी बहुत बड़े स्केल पर थ्रेशर वाले कर देते हैं, निकासी भी फ्री हो जाती है और हमें फायदे होते हैं क्योंकि वो भूसा ले जाते हैं और भूसे को वो भट्टे वगैरह पर दे देते हैं, उससे उन्हें लाभ हो जाता है, तो वहां पर हमारी कटाई और निकासी फ्री हो जाती है। जबकि पीली सरसों के साथ में ऐसा नहीं है, पीली सरसों की लंबाई कम होने के कारण भूसा ज्यादा नहीं बन पाता, तो वहां पर कटाई और निकासी हमें देनी पड़ती है। जबकि अगर हम अपने घर के खाने के लिए पीली सरसों का चुनाव कर रहे हैं तो उतने पीली सरसों को हम आसानी से अपने घर पर निकाल सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं आती। साथियों अगर मैं बात करूं रेट की तो देखिए रेट लगभग पीली सरसों का 1500 रुपए प्रति क्विंटल तक काली सरसों से ज्यादा रहता है। तो आप यदि काली सरसों के विकल्प के रूप में पीली सरसों को देखना चाहते हैं तो पीली सरसों काली सरसों के बराबर तो पैदावार देती है और दूसरा रेट के मामले में 1500 रुपए तक फालतू भी मिलते हैं, तो आप सिर्फ कटाई और निकासी काली सरसों में बचा पाते हैं। पीली सरसों में आपको निकासी और कटाई देनी होगी और जबकि आपको रेट यहाँ पर 1200 से 1500 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएगा। उत्पादकता की अगर मैं बात करूँ तो 2 क्विंटल प्रति एकड़ तक काली सरसों हो जाती है और 1.5 से 2 क्विंटल प्रति एकड़ तक पीली सरसों भी आसानी से हो जाती है। जहां तक बात करूँ मैं पीली गन्ने की खेती में सह फसली की, तो देखिए सह फसली हम करते किस लिए हैं ये हमें फोकस करना होगा, गन्ने के पौधे को बचाव करने के लिए, क्योंकि पाले के बहुत बड़े स्केल पर हमारे गन्ने के पौधे को प्रभावित करता है और पाले से गन्ने के पौधे को प्रभावित होने से बचाने के लिए हम सह फसली करते हैं सरसों की, क्योंकि सरसों के पौधे गन्ने के पौधे से ऊपर निकल जाते हैं और वो हमारे गन्ने के पौधे को सुरक्षित बचा लेते हैं। जबकि गन्ना जब हमारी सरसों की कटाई होती है तो सरसों की कटाई जाके मार्च में हो पाती है, मार्च के आखिरी सप्ताह तक, पीली सरसों हमारी लगभग 1 महीने पहले पक जाती है और वो हमारे लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन रहता है। अगर हमारे गन्ने के खेत में फरवरी में कटाई हो जाती है पीली सरसों की तो हमारे गन्ने को अच्छे से निराई गुड़ाई करने के लिए पूरा समय मिल जाता है, 1 महीने का समय भरपूर रहता है हमारे लिए और गेहूं की कटाई से पहले पहले समय मिलता है, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो पीली सरसों की बिजाई आप गन्ने के साथ में कर सकते हैं और गन्ने में बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं। बहुत सारे किसान साथी पीली सरसों को सिर्फ खाने के लिए यूज करते हैं, तो आप यहाँ पर 1/2 बीघा 1 बीघा अलग से पीली सरसों की बिजाई करके भी बहुत बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं। बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कौन कौन सी किस्में इसकी बढ़िया रहती हैं, तो देखिए पीली सरसों की जो देसी किस्में हैं शुद्ध, जैसे कि नरेंद्र सरसों हमारी बहुत बढ़िया पीली सरसों हैं। अगर K88 की मैं बात करूँ बहुत बढ़िया उत्पादन देती है और बहुत अच्छी मोटी किस्म है।
अगर गोल्डी और सुपर गोल्डी की बात करूं, बहुत अच्छी पीली सरसों हैं और बढ़िया रिजल्ट देती है, अच्छे उत्पादन देने में सक्षम है। तो इन किस्मों का चुनाव करके आप अपने खेतों में पीली सरसों की बिजाई कर सकते हैं। पीली सरसों की अगर मैं बात करूं तो 90 दिन में पक जाती है, 90 दिन की खेती है, आप बढ़िया रिजल्ट ले पाओगे। ज़्यादा फुटाव करने के लिए आप पीली सरसों में जब भी आप पानी लगाएं तो पहले पानी के साथ में ह्यूमिक एसिड उपयोग करना बिल्कुल ना भूलें। ह्यूमिक एसिड आपको पीली सरसों में बहुत अच्छे फुटाव देता है। ह्यूमिक एसिड आप प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 600 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भुरकाव के माध्यम से लगा के पहली सिंचाई करेंगे तो आपको बहुत गजब के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फूल की जहां तक मैं बात करूं तो पहला फूल लगभग 35 से 40 दिन में दिखाई देने लगता है। पानी की अगर मैं बात करूं तो 35 से 40 दिन पर ही हमें पहली सिंचाई की जरूरत होती है। अगर ट्रीटमेंट की बात करूं तो काली सरसों के समतुल्य ही हमें पीली सरसों का ट्रीटमेंट करना होता है, इसमें अलग से ट्रीटमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे कि काली सरसों में हम ट्रीटमेंट करते हैं वैसे ही पीली सरसों में होता है। काली सरसों में हमें बहुत ज्यादा फंगीसाइड लगाने की जरूरत पड़ती है, पीली सरसों में भी हमें फंगीसाइड एक स्प्रे तो खासकर लगाने की जरूरत होगी। पीली सरसों में फली का आकार मोटा होता है, काली सरसों की फली के आकार से काफी ज्यादा मोटा होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पर 0050 यानी कि पोटास के साथ में बोरोन की मात्रा का उपयोग भरपूर करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 0050 एक किलोग्राम प्रति एकड़ के साथ में बोरोन 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगाते हैं तो हमें पीली सरसों में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर फंगीसाइड की मैं बात करूँ तो दूसरे पानी के साथ में हमें अच्छे फंगीसाइड यानी कि कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% लगभग 500 ग्राम को अपने खाद के साथ में मिला के भुरकाव करना बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर पहली सिंचाई की बात करूं तो वहां पर हमें यूरिया खाद के साथ में एक बूस्टर डोज यानी कि फुटाव करने के लिए जाइम ग्रेनुअल की जरूरत होती है, और जाइम ग्रेनुअल में हम सागर का ले सकते हैं, बायोविटा जाइम ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर टोकी जैसे जाइम ले सकते हैं 1 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से यानी कि 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 35 से 40 किलोग्राम यूरिया के साथ मिला के भुरकाव कर सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट देगी। बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि अब इसकी बिजाई हमें कब से शुरू करनी चाहिए। अभी आपके खेत में जब भी नमी बहुत ज़्यादा ना रहे तब आप पलेवा कर दीजिए, और बहुत सारे किसान साथियों के खेत जो भुरभुरी मिट्टी वाले हैं वो पलेवा करने के लिए तैयार भी हैं, तो पलेवा करिए और पलेवा करने के बाद में सरसों की बिजाई करिए। आपको सरसों की बिजाई करने समय एक खासकर बात ये ध्यान रखनी होगी कि बरसात की नमी पर सरसों की बिजाई बिल्कुल भी ना करें। अगर बरसात की नमी पर सरसों की बिजाई कर रहे हो तो आपको समय से पहले पानी लगाना होगा, और आपने देखा भी होगा कि पिछले साल किस हद तक सरसों को फंगस ने जकड़ लिया था। पहली सिंचाई होते ही पौधे एकदम से उखट गए थे, बहुत बड़े स्केल पर सरसों में नुकसान देखने को मिला था साथियों। तो उससे बचाव करने के लिए हमें अपने खेतों में नमी प्रॉपर रखनी है और तब हमें बिजाई करनी है, यानी पलेवा करके ही बिजाई करनी है, ये आप फिक्स कर लें। जो भी किसान साथियों ने धान की दो फसलें ली है, ग्रीष्म ऋतु की और बरसात ऋतु की, वो भाई एक बार जरूर ध्यान रखें कि पलेवा करने के समय पर या सरसों की बिजाई करने के समय पर कार्बेंडाजिम मैनकोजेब को अपने बीज के साथ में ट्रीट करके जरूर बोएं, यानी कि 100 ग्राम कार्बेंडाजिम मैनकोजेब तो जरूरी डालना है आपको एक एकड़ सरसों के लिए। तो साथियों इससे आपको फंगस से बचाव करने में फायदा मिलेगा, पौधे की जड़ों का विकास ठीक रहेगा, चूंकि 8 महीने तक खेत में पानी रेगुलर रहा है तो फंगस बढ़ गई है, और ये फंगस सरसों के खेत में पानी लगने पर हमारी सरसों को प्रभावित करेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। चूंकि पिछले सालों में ये समस्या सामने आई है तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमें पहले से एक्टिव होना होगा और सरसों की बिजाई उसी टाइप से करनी है ताकि हमें अच्छे रिजल्ट मिल सके। साथियों आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की जरूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।